दोस्तों ये है KTM RC 200 MotoGP Edition 2024 की सबसे लेटेस्ट मॉडल है और सबसे नया मॉडल है। इसके अंदर आपको बहुत ही गजब के फीचर्स आए हैं और इसका ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स, सारी डिटेल्स आप इस वीडियो में पाने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले अगर आप सामने से देखेंगे तो एक मिरर स्प्लिट है और एक मिरर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फोल्ड किया है, ये आपका बाहर निकाला है। तो आप दोनों का बताओ कौन किस लुक पे ज़्यादा बेहतर दिखती है। ये विंड ग्लास है, एक ही वाइजर में पूरा बाइक को ढक दिया है फ्रंट से और LED वाली यहाँ पर फुल LED हेडलाइट मिल जाती है। इस तरह से देख सकते हैं स्प्लिट हेडलाइट फुल और यहाँ पर आपका इंडिकेटर मिलेगा LED वाला, यहाँ पर आपका मिलता है DRL। सामने से इस तरह से गाड़ी दिखने वाली है, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट और इसका मडगार्ड देखो तो इतना तगड़ा मडगार्ड है इसके अंदर, देखो एकदम लंबा चौड़ा ज़बरदस्त। ये देखिए मोटोरेक्स आयल ऑफ स्विट्जरलैंड WP की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलती है और सस्पेंशन आपको ट्विन सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट पे WP Apex UCD फॉर 43 mm का। ये चीज़ काफ़ी गजब का रहने वाला है और टायर आपको मिल जाता है भाई बहुत ही बढ़िया लंबा चौड़ा टायर 110/70/17 का और काफ़ी अच्छी अलॉय व्हील टायर्स देख सकते हैं। और ब्रेक जो आपको मिलती है भाई 320 mm की फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि R15 आप वर्जन 4 लेते हैं तो उसमें 282 mm मिलता है। और रेडियली माउंटेड कैलिपर विथ यहाँ पर आपको मिलता है इसका जो ब्रेक है सस्पेंशन ब्रेक। सामने सुपर मोटो ABS डुअल चैनल ABS रहेगा। आप सामने देखेंगे तो इस तरह से आपको साइड पर यह गाड़ी दिखेगी RC 200 की, ज़बरदस्त यहाँ पर स्टिकरिंग की गई है, यहाँ पर KTM लिखा मिलेगा और यह है पेंकल रेसिंग सिस्टम रेडी टू रेस, ये पूरा इस तरह से रहेगा देख सकते हैं आप। काफ़ी गजब का लुक दे रही है गाड़ी भाई और ये कलर का जो फिनिशिंग है ना ये बहुत ही तगड़ा फिनिशिंग यहाँ पर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। ये पूरा सेटअप देख सकते हैं, यहाँ पर यह इग्निशन चाबी हैंडल बार देखो इसके अंदर बढ़िया लाइट भी जलती है, ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका पूरा फुली डिजिटल मीटर इसके अंदर आपको मिलेगा, ये देखिए पूरा फुल डिजिटल मीटर और इसके अंदर इस तरह से ये वर्क करेगा देखो। ये देखिए यहाँ पर आपका RPM फ्यूल स्पीड गियर टाइम सब कुछ यहाँ पर आपका क्लॉक सब कुछ दिया गया है, ABS FI लाइट न्यूट्रल इंडिकेटर न्यूट्रल सब देखो आप, पूरा बहुत ही गजब का आपको फुली डिजिटल मीटर इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पर KTM इसके अंदर यहाँ पर बटन है, इसको आप क्रिप प्रेस करेंगे ट्रिप 1 ट्रिप 2 कर रहा है। ये देखिए ABS इन्फो यहाँ पर दबाएंगे तो ये लो फ्यूल और ये आपका साइड स्टैंड ये सब कुछ आपका यहाँ पर शो करेगा, ये गजब का रहेगा सिस्टम। देखो टाइम ट्रिप 1 एवरेज स्पीड 1 एवरेज फ्यूल स्पीड फ्यूल रेंज सब कुछ यहाँ पर शो करेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। हैंडल बार में लाइट हाई लो बीम टर्न सिग्नल पासिंग इंजन किल स्विच और यहाँ पर आपका पड़ेगा भैया कूलेंट इसके अंदर, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से कूलेंट पड़ेगा इस बाइक में। तो इसको हम ढक देते हैं, ये देखिए इसका कवर भी कंपनी सही देती है और ये रहा पूरा इसका फुल सेटअप और इसके अंदर रेडिएटर का फ़ैन लगा है बाइक हीटिंग के लिए। ये रहा इसका इंजन, इंजन देख सकते हैं आप काफ़ी बेहतरीन इंजन रेसिंग KTM का ब्रांडिंग और यहाँ से इंजन ऑयल निकलेगा देखो आप, एग्जॉस्ट का पाइप वेंट पाइप देखो बहुत तगड़ा भाई। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टील दिया गया है ताकि जो है ये इसका वाइजर जो है ना ये आपका सेफ रहे टघले ना जैसे कि हीट से। और 10-स्टेप एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन आपको मिलता है, वो भी मोनोशॉक जो कि बहुत ही गजब का सस्पेंशन रहने वाला है और ये आपका मिलेगा भाई 10-स्टेप एडजस्टेबल WP Apex मोनोशॉक। और ये रहा चैन कवर फुल यहाँ पर आपका इस तरह से रहेगा कवर के साथ यहाँ पर ऊपर और ये रहेगा इस तरह से, सारी गार्ड भी मिलेगा साइड स्टैंड मेन स्टैंड आप देख सकते हैं पूरा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक गियर लीवर इस तरह से रहेगा, यहाँ पर गार्ड कवर मिलेगा। और ये जो चेसी है स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम पर चेसी दी है यानी कि ये अलग अलग है, अगर ये टूटता है तो आप इसको चेंज करवा सकते हैं, पूरा चेंज नहीं कराना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और यहाँ पर पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं, ये रहा इसका फ्यूल टैंक जो कि फ्यूल टैंक है 13.7 लीटर यानी 13.7 लीटर इसके अंदर पेट्रोल आएगा। यहाँ पर आपको KTM का तगड़ा स्टिकरिंग किया गया है गजब का बेजिंग E20 वाला मॉडल, यहाँ पर देखो मेटल फाइबर और R15 वर्जन 4 मेरी वाली पूरी फाइबर पर है, ये चीज़ आप देख सकते हैं ये मजबूती बढ़िया है इसके अंदर। यहाँ पर भी आपको इस साइड से गाड़ी इस तरह से दिखेगी, ये देखिए आज एकदम और अंडर वेल एग्जॉस्ट इसके अंदर है बढ़िया साइलेंसर अंदर ही रहेगा। 230 mm का पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाएगा इसके अंदर विथ फ्लोटिंग कैलिपर पर और डुअल चैनल ABS भी आपको मिलेगा। पीछे का जो टायर है 150 और 60 का यहाँ पर 17 इंच की है
तो ये अच्छा है, काफ़ी लंबा चौड़ा टायर, पीछे मडगार्ड देख सकते हैं आप, मडगार्ड काफ़ी अच्छा रहने वाला है, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट, इंडिकेटर, ये रही एलईडी वाली टेल लाइट, ये देखिए काफ़ी गजब की रहने वाली है, ये रहा एलईडी वाला टेल लाइट, और सीट आपको स्प्लिट में अलग अलग बढ़िया मिलेगी। ये रहा इसका ग्रेवरेल, काफ़ी गजब का क्वालिटी देने वाला है, प्रीमियम क्वालिटी, ये देखें। और इसके अंदर आप देखेंगे इस तरह से तो ये दिखेगी, और गाड़ी के अंदर जो इंजन है भाई वो बहुत ही पावरफुल इंजन अब आपको मिलेगा इसके अंदर, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल डीओ एसी ईएफआई इंजन 199.5 सीसी का, चार वाल कर्वर रेडिएटर विथ फैन के साथ है, और मैक्सिमम पावर 18.4 किलोवाट 25 पीएस 10,000 आरपीएम पावर, मैक्सिमम टार्क जो है वो 92 न्यूटन मीटर है, और उसके बाद 8000 आरपीएम पर रहेगा, लेकिन यानी पावर पिकअप सब ज़बरदस्त मिलेगा, 35 से 40 का एवरेज भी आराम से गाड़ी देगी, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है जैसा आप चलाते हैं। ये रहा ब्रेक लीवर, बहुत अच्छी क्वालिटी का, यहाँ पर आप फुटेज देख सकते हैं, कवर ये पूरी, और स्ट्रिंग आर्म आपको एल्युमिनियम वाली मिलती है, इस तरह से देख सकते हैं ये पूरा। अब इस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है भाई वो है 2,45,000 रुपये, इसका स्टार्टिंग मॉडल आपको मिल जाएगा, और तीन वेरियंट आते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।